में आनंद के गीत गाते चले उनके चरणों में। आओ हम झूमते चले प्रभु के मंदिर में आनंद के गीत गाते चले उनके चरणों में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबो को प्राप्त हो। ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज सामान्य काल के वर्ष ए का 14वां रविवार है। मैं इस टेलीकास्ट वाले यूकारिस्टिक बलिदान में भाग लेने के लिए आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ। यह अनंत रहस्यात्मक सत्य है कि प्रभु येसु ने हमारे पापों की क्षमा के लिए और हमारी मुक्ति के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया। वही हमारे लिए एकमात्र और चिरस्थायी बलिदान है। पवित्र यूकारिस्ट में हम उसी पवित्र बलिदान को दोहराते हैं। इस महान रहस्य को ईश्वर ने ज्ञानियों और समझदारों से छिपा कर रखा और हम जैसे निरे बच्चों पर प्रकट किया। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और बड़े प्रेम
और गहरी श्रद्धा के साथ पवित्र यूकारिस्ट में भाग लें। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Oh,
प्रार्थना करें, हे परम दयालु ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव को उत्थान किया है, अपने भक्तों के हृदय को पुनीत आनंद से भर दे। तूने इनके पापों की बेड़ियां तोड़ दी है, अब इनको अनंत सुख के निवास की ओर ले चल। यह हमारी दीन प्रार्थना है अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ, नबी जकरिया का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्याएं 9 से 10 तक। पाठ का मूल वाक्य है, तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं। प्रभु यह कहता है, हे सियोन की पुत्री आनंद मना, हे यरूशलेम की पुत्री जयकार कर, देख तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं, वह न्यायी और विजयी हैं, वह विनम्र हैं, वह गधे पर, बछेड़े पर, गधी के बच्चे पर सवार हैं, वह इफ्राइम से रथ दूर कर देंगे और यरूशलेम से युद्ध के घोड़ों को। योद्धा के धनुष का बहिष्कार कर दिया जाएगा, वह राष्ट्रों के लिए शांति घोषित करेंगे, उनका शासन समुद्र से समुद्र तक और नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तुझे धन्य कहूँगा, तुझे धन्य कहूँगा। मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा, मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा, मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। दया और अनुकंपा से
परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। प्रभु तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे, तेरे भक्त तुझे धन्य कहे। वे तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करे। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। उसके समस्त कार्य उसके प्रेम से पूर्ण है। प्रभु निर्बल को संभालता है और झुके हुए को सीधा करता है। ये मेरे ईश्वर दूसरा पाठ, रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। पाठ का मूल विषय है, यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं। जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है वह अपनी आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। इसलिए भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं। हम उनके अधीन रहकर जीवन ना बिताएं। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम गाए प्रभु को हम अपनाए वचन
समाचार मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उससे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमारे धर्म से संबंधित चार महत्वपूर्ण और सार गर्भित दिव्य तथ्यों का उजागर किया है। पहला तथ्य है, ईश्वर का रहस्य अथाह समुद्र के सदृश है। दूसरा, पिता ईश्वर और पुत्र ईश्वर के बीच अंतरंग और एकात्मक संबंध का रहस्य। तीसरा, निरे बच्चों पर इस रहस्य का प्रकटीकरण। और चौथा, यीशु का हृदय नम्र और विनीत है और थके मांदे और बोझ से दबे लोगों को वहाँ शांति मिलती है। ईश्वर का रहस्य समुद्र के समान गहरा है, आकाश के समान विशाल और क्षितिज जैसा विस्तृत है।
मनुष्य अपने छोटे से मस्तिष्क रूपी कटोरे में इस असीमित रहस्य रूपी समुद्र को कभी भी नहीं समा सकता है। वास्तव में ईश्वर ने मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में बुद्धि, समझ और प्रज्ञा दी है। उसने अपनी निश्चित योजना के तहत अपनी अद्भुत सृष्टि के द्वारा नबियों के मुख से और स्वयं अपने पुत्र के जीवन और वचन से अपने अस्तित्व और अपने विभिन्न स्वरूपों को प्रकट किया है। इस तरह हम जानते हैं कि ईश्वर स्वयंभू है, उनका ना आदि है ना अंत है। वह सर्वशक्तिमान, सृष्टिकर्ता, सर्वव्यापी, अंतर्यामी, सर्वगुण संपन्न और अलख निरंजन है। विभिन्न धर्म के लोगों ने उसका अलग अलग नाम दिया है। इसके साथ ही उसने हमें प्रकट किया है कि वह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रित्वमय ईश्वर है। यह ईश्वर प्रेम, शांति, न्याय, सत्य, चित, आनंद, करुणा, दया और क्षमा का ईश्वर है। वह अपने आप में पूर्ण है। वह न केवल मानव जाति से वरन प्रत्येक व्यक्ति से आत्मिक, आध्यात्मिक, आत्मीय संबंध स्थापित करना चाहता है। वह अपने को उन लोगों के लिए प्रकट करता है जो नम्र हैं और दीन हैं। धर्म ग्रंथ में इसके असंख्य उदाहरण हैं। प्रिय भाई और बहनों, पिता ईश्वर और पुत्र ईश्वर के बीच अनन्य संबंध है। आज के सुसमाचार के उद्धरण से इस रहस्यात्मक तथ्य का उजागर होता है कि पिता और पुत्र ईश्वर में अनन्य और अंतरंग एकात्मकता है। हमारे प्रभु कहते हैं, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, पिता को छोड़ कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। मत्ती 11:27। हम विश्वास प्रकरण में घोषणा करते हुए कहते हैं, यीशु ख्रीस्त सभी युगों से पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर है, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। संत योहन ने अपने सुसमाचार के प्रारंभ में लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था, उसी के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। योहन 1:1-3। हमारे प्रभु स्वयं कहते हैं, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। योहन 14:10। पिता और मैं एक हैं। योहन 10:30। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। योहन 14:9। प्रभु यीशु सर्वोच्च ईश्वर का पुत्र है और उसे संसार का सारा अधिकार दिया गया है। वही राजाओं का राजा है, वही प्रतिज्ञात मसीह है, वही संसार का मुक्तिदाता है, वही मानव पुत्र है जिसने संसार की मुक्ति के लिए शरीर धारण किया, वही मार्ग, सत्य और जीवन है, वही समस्त मानव जाति का न्याय करता है और वह ईश्वर के दाहिने विराजमान है। ऐसे महान रहस्यों को ईश्वर ने हमारी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में हमारे लिए प्रकट किया है और हम विश्वास करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर ने रहस्य का प्रकटन निरे बच्चों को किया है। आज के सुसमाचार की पृष्ठभूमि यह है, यीशु के 72 शिष्य सुसमाचार की घोषणा करके लौटे थे। वे बहुत खुश थे, उत्तेजित थे, क्योंकि वे अपने मिशन में सफल हुए थे। उन्होंने प्रभु के नाम के प्रताप से बीमारों को चंगा किया और अपदूतग्रस्त लोगों से निकाला। हमारे प्रभु ने उनके गहरे विश्वास और दिव्य ज्ञान को महसूस किया और स्वयं पवित्र आत्मा से उल्लसित होकर उसने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु,
मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हे पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मत्ती 11:25-26। क्या कारण था कि ईश्वर ने रहस्यात्मक तथ्यों को शास्त्रियों और फरीसियों से छिपाकर रखा? इसका कारण यह था, तात्कालिक धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में शास्त्री और फरीसी अपने को ज्ञानी और समझदार समझते थे, अपने को धर्मग्रंथ और संहिता के पंडित मानते थे। वास्तव में वे अहंकार के नशे में ईश्वर की मूल शिक्षा और आज्ञा अर्थात ईश्वर और पड़ोसी के प्रति प्रेम को त्याग चुके थे। उनमें नम्रता और दीनता की नितांत कमी थी। वे अन्य लोगों को नीचा समझते थे और उनका खूब शोषण करते थे। वे ऐंठी गर्दन वाले हो गए थे। वे संहिता और नबियों के लेखों की अपने लाभ के अनुसार व्याख्या करते थे। उन्होंने ना तो यौहन बपतिस्ता को स्वीकार किया, ना हमारे प्रभु येसु ख्रिस्त को। उन्हीं के लिए हमारे प्रभु नबी ईसायास की नबूवत को दोहराते हुए कहते हैं, तुम सुनोगे अवश्य परंतु नहीं समझोगे, तुम देखोगे अवश्य पर तुम्हें नहीं सूझेगा। मत्ती 13:14। यह स्वाभाविक है कि ईश्वर ने महान रहस्यों को इनसे छिपा कर रखा। वे इसे जानने समझने के सर्वथा अयोग्य थे। हमारे ईश्वर ने गूढ़ रहस्यात्मक तथ्यों को निरे बच्चों पर प्रकट किया। निरे बच्चे कौन हैं? ये वे लोग हैं जो निर्धन हैं, अनपढ़ हैं, जो नम्र हैं, विनीत और दीनहीन हैं। ईश्वर ऐसे लोगों को अधिक प्यार करते हैं और उन पर अपने को प्रकट करते हैं। एक उदाहरण लीजिए, ईश्वर ने दूतों के द्वारा चरवाहों को मुक्तिदाता प्रभु मसीह के जन्म का संदेश सुनाया। उस समय के चरवाहे नौकरों के रूप में धनी लोगों की भेड़ों को चराते थे। वे साधारणतः अनपढ़ थे, निर्धन थे और लाचार थे। एक दूसरा उदाहरण लीजिए, जब मरियम और जोसेफ बालक यीशु को मंदिर में अर्पित करने ले गए, तब ईश्वर ने धर्मी और भक्त सिमियोन पर बालक यीशु में इसराइल के मुक्तिदाता को प्रकट किया। उसी तरह 84 साल की नबिया अन्ना पर भी ईश्वर ने बालक यीशु के विषय में प्रकट किया कि वह इसराइल का मुक्तिदाता है। भक्त सिमियोन और नबिया अन्ना दोनों हृदय के नम्र और विनीत थे। आप तीसरा उदाहरण लीजिए, हमारे प्रभु के जितने शिष्य थे सब साधारण परिवार से आते थे। वे फरीसियों और शास्त्रियों जैसे संहिता और धर्मग्रंथ के पंडित नहीं थे। उन्होंने हमारे प्रभु की शिक्षा को सुना, उन पर विश्वास किया और उन्होंने प्रभु का अनुकरण किया। प्रभु ने असंख्य अचरज के काम किए, यहाँ तक कि मरे हुओं को भी जिलाया। इन्हें देखकर सामान्य लोगों ने हमारे प्रभु पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों और शास्त्रियों की आंखें बंद की बंद रह गईं। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर ने येसु के शिष्यों के लिए गूढ़ रहस्यात्मक तथ्यों को प्रकट किया। संत योहान चरित सुसमाचार के 6वें अध्याय में इस घटना की चर्चा है कि बहुत से चेलों ने येसु का साथ छोड़ दिया। तब प्रभु येसु ने प्रेरितों से पूछा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? तब पेत्रुस ने कहा, प्रभु हम किसके पास जाएं? आप ही के पास अनंत जीवन के वचन हैं। हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप ईश्वर के पवित्र व्यक्ति हैं। योहान 6:67-69। एक बार हमारे प्रभु ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र। इस पर यीशु ने उनसे कहा, सिमोन योना के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मत्ती 16:15-17। हमारे प्रभु ने अपने दुर्भोग के पाले पेत्रुस, योहान और जेम्स को ताबोर की पहाड़ी पर
अपने को रूपांतरित किया और अपने दिव्य रूप को प्रकट किया। पेंतेकोस्त के दिन ईश्वर ने शिष्यों को पवित्र आत्मा भेजकर दिव्य रहस्यों को जानने और समझने की प्रज्ञा उन्हें दी। प्रिय भाई और बहनों, हम पर प्रभु यीशु का पितृसुलभ प्यार है। आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु ने हम सबके लिए एक आश्वासन भरी बात कही। उसने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव का नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। मत्ती 11:28-30। जुआ और बोझ की बात करके हमारे प्रभु हमारे लिए हल और गाड़ी खींचने वाले बैल की तस्वीर पेश करते हैं। बैल के कंधे पर जुआ है, गाड़ी में बोझ है और बेचारा बैल उसे खींचता है। एक समय था जब मनुष्यों के कंधों पर भी जुआ का बोझ लादा जाता था। हमारे प्रभु के समय शास्त्रियों और फरीसियों ने ईश्वर की मूल शिक्षा अर्थात प्रेम और करुणा को छोड़कर अपने लाभ के लिए संहिता की व्याख्या करते थे। कठोर नियम और रीति रिवाज बनाकर उन्हें लोगों के ऊपर डाल देते थे। वे धर्म के ठेकेदार बन गए थे। लोग परेशान थे क्योंकि धर्म को जीना उनके लिए भारी बोझ बन गया था। इसके ठीक विपरीत हमारे प्रभु नम्र और विनीत थे। संत पौलुस फिलिप्पियों के नाम अपने पत्र में यीशु की नम्रता के विषय में कहते हैं, यद्यपि मनुष्य वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए, अपने को और भी दीन बना दिया। संत पौलुस का पत्र एफिसियों के नाम 2:6-8। हमारे नम्र और दीन प्रभु ने प्रेम करुणा दया क्षमा आदि को धर्म का मूल मंत्र माना और उसी की शिक्षा दी। उन्होंने कठिन नियमों और बेकार के रीति रिवाजों को समाप्त कर दिया। प्रिय भाई और बहनों, हम लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं क्योंकि ईश्वर ने अपने रहस्यात्मक तथ्यों को हमारे लिए प्रकट किया है। फलस्वरूप हम जानते हैं कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में पृथकता है, तत्व में एकता और प्रताप में समता है, कि पिता की इच्छा से पुत्र ने मानव जाति के लिए नम्र और विनीत बनकर शरीर धारण किया, कि वह हम सबको जो थके मांदे और बोझ से दबे हैं आश्वासन देते हैं कि वे हमें विश्राम और शांति प्रदान करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रभु के प्रति कृतज्ञता से भर जाएं, अपने हृदय में नम्र बने और दीन बने, अपने विश्वास में मजबूत बने और ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन यापन करने का प्रयत्न करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ, और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो सभी युगों से पहले पिता से उत्पन्न है और ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है।
उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट किया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह मर गया और गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र के प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र कैथोलिक और प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बात जोड़ता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें इस वेदी के पास बुलाया है। उससे हम निवेदन करें कि जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करें और स्वर्ग पहुंच सकें, जहां हमारा पारस्परिक निवास है। हर निवेदन के अंत में हम गाएंगे। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संगी, कैथोलिक कलीसिया को अनुशासन और सही दिशा की ओर ले सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। जो लोग जनता के अधिकारी हैं और उच्च पदों पर नियुक्त हैं, वे अपनी शक्ति और पद का उपयोग धन कमाने और व्यक्तिगत लाभ के लिए ना करें, परंतु समाज के आम लोगों की भलाई के लिए करें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। कलीसिया के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे विश्वासियों के बोझ को हल्का करने में मदद करें और उनकी परेशानियों और कठिनाइयों में उनका साथ दे सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हर ख्रिस्तीय विश्वासी मसीह के विनम्र भाव का अनुकरण करने में अपना जीवन व्यतीत करे, क्योंकि यीशु ने ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद अपने को दीन तथा विनम्र बनाया और क्रूस पर अपने को प्राण त्याग दिए, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गरीब तथा लाचार हैं और उन पर
अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं। लोग उनकी पुकार को सुने और उनको न्याय मिल सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। जन जन के हे रखवाले, सुन रे विनती हमारी, सुन रे अर्जी हमारी। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर तेरी कृपा से हम पवित्र इच्छा, अच्छे संकल्प और पुण्य कार्य कर सकते हैं। अपने भक्तों को वह शांति प्रदान कर जिसे संसार नहीं दे सकता, उसे प्राप्त करके हम सारे हृदय से तेरी आज्ञाएं पूरी करते रहें और शत्रुओं के भय से मुक्त होकर तेरी रक्षा में शांतिपूर्वक जीवन बिता सकें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे, प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त कलीसिय के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें,
हे प्रभु, इन फारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर। ऐसा वर दे या पूजन समारोह जिसे हम प्रेम पूर्वक मना रहे हैं, हम सबको स्वर्ग की महिमा में पहुंचा दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ ही। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे बहुत दूर भटक गए थे, उनको तूने अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने पास पुनः एकत्र करना चाहा। जैसे परम पावन त्रित्व एक है, वैसे ही तेरे प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया ख्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए तेरी प्रज्ञा के महिमा हम समस्त दूतगणों से मिलकर बड़े आनंद से तेरी स्तुति करते हुए एक स्वर से गाते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उद्धार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से
हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो, प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। हे परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्रद दुख भोग प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्ग रोहन का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बात जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए या जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपने कलीसिया के चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे किनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहास स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोपो और सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मास्कारेनस और टेलेस्फोर बिलुंग और सभी धर्माध्यक्षों, याचकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलिसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे
और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हें प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हें के साथ और इन्हें में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु।
हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे विचार दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरे दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु किस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, कि तू मेरे घर आए, किंतु प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
हमारे देश और विश्व महामारी से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हम अपनी मातृभूमि भारत के लिए दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं और इसे तेरे अनमोल हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे देश से असत्य के अंधकार को हटाकर सत्य के प्रकाश को चमका दे। हमारे संविधान के मूल्यों अर्थात समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का सम्मान हो। विभिन्न धर्म और जाति, संप्रदाय और विचारधारा के लोग घृणा और हिंसा को त्याग कर शांति और एकता में जीवन यापन करें। विधानमंडल सबके कल्याण के लिए विवेकपूर्ण निर्णय ले। न्यायपालिका सामंजस्य विवेक और न्याय की संस्था बने। प्रशासन सेवाभाव से अपना उत्तरदायित्व निभाए। संचार के साधन सत्य को फैलाने का माध्यम बने। हमारे राष्ट्रीय संस्थान बुरे ताकतों के प्रभाव से सुरक्षित रहे। हमारे देश के गरीबों को जीविका के साधन उपलब्ध हो। दलितों और आदिवासियों को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। चुनावों में सच्चे प्रजातंत्र की मर्यादा सुरक्षित रहे। हमारे नेताओं में सच्ची देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित हो। हे स्वर्गीय पिता, कोविड-19 की महामारी के कारण सारा भारत दुख और चिंता का शिकार है। कोरोना वायरस से बीमार और संक्रमित लोगों को चंगाई प्रदान कर। निर्धनों, प्रवासी मजदूरों, कष्ट झेलते हुए अपने गांव घर जाते लोगों, विशेषकर महिलाओं और अन्य बच्चों की रक्षा कर। उन परिवारों को सम्मान दे जिनके प्रियजन कोरोना वायरस, भूख प्यास, थकान या दुर्घटना से मर गए हैं। डॉक्टरों, उपचारिकाओं, स्वास्थ्य कर्मियों, उदार व्यक्तियों और समाज सेवियों को आशीर्वाद दे। देश के नेताओं के हृदय में गरीबों, श्रमिकों और पीड़ितों के प्रति सहानुभूति और सम्मान जागृत कर। आने वाले दिनों के लिए तू हम सबका मार्गदर्शन कर। हे स्वर्गीय पिता, हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के पवित्र नाम पर और स्वर्ग और पृथ्वी की महारानी हमारी मां मरियम की शक्तिशाली मध्यस्थता के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, अपने शब्द और संस्कार से भक्तों का भरण पोषण करता
तथा उन्हें जीवन देता है। तेरे परम प्रिय पुत्र के इस अमूल्य दान का हम पर ऐसा प्रभाव पड़े कि हम तेरे पुत्र के जीवन के सहभागी अनंत काल तक बने रहे। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग भी डाले प्रभु की शांति साथ रहे। Yeah.